हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? आज हम एक नए पेपर के साथ, और नया पेपर जो हमारा है वो कंटिन्यू चल रहा है, जैन 2017 का ये पेपर 3 है, ये है ना। इसमें हम आज मेडिवल पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? मेडिवल का पार्ट करेंगे, और आराम आराम से आपको हर पेपर का अपने नोट्स बना लेने हैं और क्लास को आराम से देखना है। मेरा ये मानना है कि अगर पूरा कोर्स आप देख लेते हैं तो 100 एंड समथिंग एक वन वीडियो हो गया है, अब 2 हो जाएगा। मतलब जैसे ही चलते चलते अब इस मंथ में हम लगभग पेपर को कर देंगे कवर। और तो आपको ये पूरा अगर आपने कोर्स देख लिया ना, तो आपका नेट कोई रोक नहीं सकता। हम इतना बता देते हैं आपको, है ना। अगर आपने पूरा देख लिया तो पूरा कोर्स देखने के बाद आपका नेट कोई रोक नहीं सकता। और अगर इससे संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ये हमारा ऑलवेज व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फकरे मुदबिर, और उनकी जो किताब है आदाब उल हर्ब व सुजात, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फकरे मुदबिर है जो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहे, पहले मुस्लिम, इसको क्या माना जाता है? पहले मुस्लिम राजनीतिक चिंतक चिंतक माना जाता है। पहले भारत में पहले मुस्लिम राजनीतिक चिंतक, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी आदाब उल हर्ब व सुजात। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के आरंभिक दिनों से युद्ध कला आरंभिक जो समय था इल्तुतमिश का, आरंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है। बिल्कुल सही है, ये इल्तुतमिश के जो आरंभिक उसमें समय में इसने लिखी युद्ध कला से संबंधित किताब है। फकरे मुदबिर ने भारत में बनी तलवारों की प्रशंसा की है, बिल्कुल की है, कि जो भारत में जो तलवारें बनती हैं वो बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी की हैं। बात सही बोली है। फकरे मुदबिर ने लिखा कि राजस्थान के खेतड़ी में लोहे ऐसे को गलाने लगाने नहीं गलाने गलाने का काम होता था। क्या होता था? गलाने का काम होता था। वह दमिश्क में बनी स्टील की तलवारें, सबसे पुरानी ज्ञात तकनीक है, और जो दमिश्क में जो स्टील की तलवारें बनती है उनकी वह प्रशंसा करता है। दमिश्क में जो तलवारें बनती है वो उनकी प्रशंसा करता है। आपको पता है कि जो इल्तुतमिश है, इसको क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है ये। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसके समय दिल्ली जो है क्या होता है, एक ऐसा केंद्र बनता है जहां पर अनेक जगह से आकर विद्वान आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो मध्य एशिया है उस समय डिस्टर्ब है ड्यू टू द जो मंगोल इन्वेजन है, मंगोलों से समस्या है वहां पर, क्योंकि मंगोल किसी को वहां पर टिकने नहीं देते। तो जिसके कारण अनेक जो कह लीजिए कि विद्वान लोग हैं वो कहां पर आते हैं, इंडिया आते हैं, ठीक है, भारत आते हैं। इसमें बगदाद से कौन आए थे? बगदाद से अबू सलातिन, साला तीन, ठीक है। उसके अलावा मासिर उस सलातीन, है ना।
इसके अलावा उसके दरबार में कौन थे? इसके अलावा उसके दरबार में मिन्हाज, उस मिन्हाज ने तबकाते नासिरी लिखी थी। हाँ उसके अलावा मलिक ताजुद्दीन, इसका वजीर था ये भी विद्वान था मलिक ताजुद्दीन। ठीक है, ये वजीर था उसका, ये विद्वान व्यक्ति था। उसके अलावा इल्तुतमिश के समय एक किताब लिखी जाती है, मोहम्मद ओफी ने किताब, ओफी ने कौन सी किताब लिखी थी? ओफी ने जुआमी उल हिकायत, इसमें क्या है, इसी पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख है, इसी जुआमिल उल हिकायत में जो ओफी ने लिखी है, इस पुस्तक में सर्वप्रथम कंपास का उल्लेख मिलता है, चुंबकीय कंपास का। ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है? चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है, नोट कर लेना। ठीक है, चुंबकीय कंपास का उल्लेख इसमें मिलता है, इन बातों को नोट कर लेना। और इल्तुतमिश के समय दिल्ली को क्या कहा गया? हजरते दिल्ली। हजरते दिल्ली मतलब प्रतिभाशाली दिल्ली। क्या कहते हैं इसको? प्रतिभाशाली दिल्ली। ठीक है, तो ये इसका स्टाइल वो रहा। तो वो इसके जो ऑप्शन है उत्तर इसका, वो सारे ही सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेना अपना। और आगे चलते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, को कथन दूसरे को कारण कहेंगे। ये कथन और कारण है जो, ये किसके बारे में है? ये सुल्तान जैनुल अबादीन के बारे में। जैनुल अबादीन को क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर। क्यों कहते हैं इसको कश्मीर का अकबर? कश्मीर का अकबर इसलिए कहते हैं, इसने क्या किया? अपनी उदार नीतियों के कारण, इसकी जो अपनी उदार नीतियों के कारण। उदार नीतियों के कारण इसको कश्मीर का अकबर कहते हैं। और अलाउद्दीन, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, क्यों कहते हैं? इसकी जो मूल्य नियंत्रण के लिए, मूल्य नियंत्रण की, इसकी आर्थिक सुधारों के लिए कह सकते हैं। इसके लिए आर्थिक सुधारों के लिए। ठीक है, ये कुतुब उपनाम से कविताएं लिखता था। है ना, कुतुब उपनाम से क्या करता था? ये कविताएं
लिखता था, और इसका जो समय है वो 1420 से लेकर 1470 रहा है ना, 1420 से 1470 शासन किया है ना। और इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी, नायबे अमीरुल मोमिन, खलीफा का नायब, नायबे अमीर उल मोमिनीन, ठीक है। इसने वलूर झील पर एक कृत्रिम वो बनवाया था, द्वीप बनवाया, द्वीप बनवाया, ठीक है। पहले इसके बारे में पूरा जान लेते हैं ना। ये योगाभ्यास में विश्वास करता था, योगा विभा ना, योगाभ्यास में विश्वास करता था। जैनुलाब्दीन के ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे, और वे ज्ञानी लोगों को घर में ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे, जिनके कारण उनकी उनके साथ चर्चा करते थे, बिल्कुल सही है। और उसने उनके समय में क्या हुआ था, जोनराज व श्रीवर ने क्या किया, राजत्रिंगणी को आगे बढ़ाया। राजत्रिंगणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, राजरिंगणी को आगे बढ़ाया। और इनके समय उत्सोम ने, एक विद्वान थे उत्सोम ने क्या लिखा, जैन चरित है ना, और यदु भट्ट ने जैन प्रकाश, क्या लिखा, जैन प्रकाश है ना। इसके समय महाभारत दशावतार राजत्रिंगणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद हुआ, महाभारत दशावतार वह राजत्रिंगणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद। ठीक है, और इन्होंने एक एक को क्या किया था, कागज बनाने की तकनीक सीखने के लिए, दो व्यक्तियों को समरकंद भेजा। दो व्यक्तियों को क्या किया, समरकंद भेजा था, नोट कर लें इस बात को भी, दो व्यक्तियों को समरकंद भेजा था। ठीक है, अभी तक का नोट किया, उनके शासनकाल में सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में आए। बिल्कुल दोनों बात सही हैं, और इसकी व्याख्या भी है ना। ठीक है, इसने कश्मीर में पशुवध पर रोक भी लगाई थी, कश्मीर में पशुवध पर रोक लगाई, जजिया हटाया,
जजिया हटाया और क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। मतलब पूरी तरह सफल तो नहीं हो पाया अकबर की तरह, लेकिन प्रयास किया, प्रयास करना बड़ी बात है। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, तो उत्तर इसका ए होगा। अफगानों के साथ उलूम खान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर उलूम खान कौन है, ये बलबन है, बलबन है ना। अफगानों को सेना में शामिल किया, सेना में सर्वप्रथम बलबन ने शामिल किया, सेना में सर्वप्रथम बलबन ने शामिल किया। ठीक है, बलबन ने शामिल किया था सर्वप्रथम। ठीक है, उलूम खान, इसको महान खान भी कहते हैं, महान खान। ठीक है, इसका जो मूल, बलबन का मूल नाम क्या था, बलबन का मूल नाम क्या था, बलबन का जो मूल नाम था वो था बाउद्दीन। क्या था, बाउद्दीन था, और उपाधि क्या थी, नियाबते खुदाई। क्या थी उपाधि, नियाबते खुदाई है ना। और सुरक्षा के लिए किले बनाने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, सुरक्षा के लिए किले बनवाने वाला पहला सुल्तान था। इसने दिल्ली के चारों ओर निकट पटियाली, कामपिली, भोजपुर और है ना गोपालगिरी, गोपाल गिर, ये चार किले इसके दिल्ली के चारों कोनों के ऊपर बनवाए इसने, है ना। इसने इसने क्या किया, विद्रोहियों के प्रति क्या किया था, रक्त और युद्ध की नीति अपनाई। रक्त और युद्ध की नीति इसने अपनाई थी। ठीक है, रक्त और युद्ध की नीति इसने अपनाई, और इसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा दीवार बनवाई, सुरक्षा पंक्ति लगाई इसने उत्तर पश्चिम सीमा पर, सीमा की मंगोलों से सुरक्षा के लिए। है ना, उत्तर पश्चिम जो सीमा थी उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा पंक्ति की नियुक्त की ना। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने दीवान अर्ज की स्थापना की, दीवान क्या क्या दीवान अर्ज की स्थापना की, और सिजदा पैबोस ये दरबार में लागू की, है ना। ठीक है,
जब उलुंग खान सुल्तान बना तो उसने दिल्ली के निकट, ये सारे ये दोनों ही सही हैं, नहीं उसने ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि वो तो उच्चकुलीनता पर बहुत ध्यान देता था। बल्कि पर जोर दिया इसने ना, राजत्व का सिद्धांत देने वाला पहला सुल्तान है इसने, राजत्व का सिद्धांत। प्रस्तुत किया है इसने ना। इसने क्या क्या राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और वसीयत लिख अपनी वसीयत तैयार करवाने वाला एकमात्र दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, तो ये दोनों सही नहीं है, एक और दो सही है। उसने क्या है वो नवरोज का त्योहार मनाना भी शुरू किया था, ईरानी परंपराएं उसने दरबार में लागू की। वो खुद को क्या कहता था, खुद को अफरासियाब वंश से जोड़ता था ना, ठीक है। इससे बड़ा क्या लिखे और, पूरा बल बना गया। सुल्तान ने आदेश दिया, जो भी वह पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति बिस्वा की जाए। प्रति बिस्वा मतलब नपाई का आधार क्या था, बिस्वा। नाप के आधार पर राजस्व एकत्रित किया, किसने किया, नाप के आधार पर। त्रित करने वाला सुल्तान, कौन है, और बिना किसी भेदभाव के सबसे एक जैसा वसूल किया जाए ना। ऐसा नहीं है कि किसी से कम किसी से ज्यादा, मतलब अमीर वर्ग को छोड़ दिया जाए, गरीब वर्ग का खून चूस लिया जाए। तो भू राजस्व नीति में सबसे पहले सुधार करने वाला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले उसने सुधार किया, और उस बर्नी ने लिखा है, बर्नी क्या कहता है, बर्नी अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों को क्या कहता है, सुधारों को कैसे देखता है, गरीब बनाम अमीर की संज्ञा दी उसने, गरीब बनाम अमीर। है ना, गरीब बनाम अमीर की संज्ञा दी थी हा? और उसने एक विभाग बनाया दीवाने मुस्तकराज, है ना, ये राजस्व विभाग था। ये फवाजिल एकत्रित करता था, ठीक है, फवाजिल एकत्रित करता था। मोहम्मद हबीब ने इन सुधारों को क्या कहा है, इन सुधारों को क्या कहा है मोहम्मद हबीब ने, ग्रामीण क्रांति कहा है। क्या कहा है, ग्रामीण क्रांति। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी नीति, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति की सफलता का श्रेय किसको जाता है, उसके वजीर सरफ क्यानी को।
उसने इसको इस माप के आधार पर राजस्व वसूल करने की नीति क्या कहलाती थी? मसाहत। क्या कहलाती थी? मसाहत। और वो 50% वसूल करता था ना। उसने क्या किया था? घरी और चरी दो नए कर लगाए उसने। ठीक है, उसने सेना को स्थाई सेना रखी। नगद वेतन, दाग हुलिया, ठीक है, ये सब उसने किया। ठीक है, इल्तुतमिश पहला सुल्तान, दुआब के महत्व को समझने वाला पहला सुल्तान। और इसे 2001 में बांट दिया था ना। और अलाउद्दीन खिलजी ने छोटी एकताओं को खत्म किया। क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने छोटी एकताओं को खत्म किया था, है ना, और इनाम जागीर को वापिस, इनाम लैंड को वापिस ले लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक जाना जाता है, इसने दीवाने अमीर को ही बनाया था, दीवाने अमीर को। दुआब में कर वृद्धि की थी इसने ना। फिरोज शाह तुगलक एकता को वंशानुगत किया। ठीक है, चलिए, तो हमारा उत्तर अलाउद्दीन खिलजी है। क्वेश्चन अगला, अमीर खुसरो और तथा उनके संगीत के बारे में क्या सही? अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तूतिए हिंद, है ना, तुर्कुल्ला। ये तुर्कुल्ला किसने? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था इसको। अमीर की जो, ये अमीर का जो टाइटल दिया, ये जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था, है ना। अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के धकनी संगीत का अध्ययन किया था। बिल्कुल बात सही है। धकनी संगीत के महान प्रवर्तक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे, ये भी बात सही है। अमीर खुसरो ने सितार की खोज की और उसकी प्रशंसा गुरतल उल कलाम में की, ऐसा नहीं है। इसने सितार की खोज जरूर की है, सितार व तबला की खोज की, लेकिन उसका उस बुक में प्रशंसा नहीं की है। बाद के ग्रंथों में अमीर खुसरो की गायकी को क्या कहते हैं? अमीर खुसरो की गायकी के लगभग 19 मधुर रूप, खास कर ख्याल, तराना, कोल की खोज का श्रेय उनको दिया जाता है ना। इतने सारे उन्होंने कव्वाली विधा को शुरू किया, है ना। जो ये कोल है, ये कव्वाली के आगे गाया जाता है। कोल कव्वाली के आगे और कव्वाली के मतलब आरंभ में और बाद, आरंभ में और अंत में। और फारसी कविता का भारतीयकरण किया इसने ना।
और फारसी जोहर का, फारसी में सर्वप्रथम वर्णन किया। फारसी का, फारसी में जौहर का सर्वप्रथम वर्णन रणथंभौर अभियान का है वो। सॉरी 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 सॉरी, उत्तर ये है इसका, तीन नहीं है बस। इसने ये अपने जो आसिका में इसने वर्णन किया है, आसिका एक किताब मसनवी थी आसिका, इसकी खुद को मंगोलों द्वारा बंदी बनाए जाने का वर्णन किया है। खुद को मंगोलों द्वारा बंदी बनाए जाने का वर्णन इसने किया है। और किरण उस सादेन में इसने तुमान, तुमान जो 10,000 सैनिकों की टुकड़ी का जिक्र किया, 10,000। ठीक है, तुमान का जिक्र किया इसने ना। चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहेंगे। राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में बनी रही, जारी रही। देखिए, तुर्कों के द्वारा केंद्रीय व्यवस्था में बदलाव किया गया है ना, तुर्कों के द्वारा केंद्रीय बदलाव किया गया। ये बस स्थानीय स्तर की व्यवस्था एज इट इज बनी रही। जिसका वर्णन हमें समकालीन आगे के जो कुछ राजस्थान के और कृष्णदेव राय के जो ये ग्रंथ हैं, इनमें उनके आज्ञा पत्र उनमें मिलता है, एज इट इज बनी रही। और चौधरी मुकद्दम पटवारी गांव के स्तर पर है ना, चौधरी मुकद्दम पटवारी है ना, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते रहे। हाँ, ठीक है, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते रहे। और जिसके बदले वो क्या राजस्व एकत्रित करने के बदले क्या लेते थे, राजस्व के बदले क्या लेते थे, राजस्व एकत्रित करने के बदले क्या लेते थे।
हकूके खोती। है ना, जो अधिकार भी, जो अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था ना, जो अधिकार था वो अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने वापस किया। ठीक है, बात सही है। विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय तुलो वंश के शासक थे ना। बाबर ने भी इसको, बाबर ने इनको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया ना। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की राजज्ञाओं, राजस्थानी विद्वत और ख्यात साहित्य में इस भारतीय राज व्यवस्था के बारे में उपयोगी सूचनाएं हमें मिलती हैं। तो बात बिल्कुल दोनों ही सही हैं, सत्य हैं, और इसकी व्याख्या भी है। नाफ्ता और मैग्नालिस जो है, नफ्ता और मैग्नालिस ये जो क्या है, का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्न में से किस स्थान पर हुआ? सिंध अभियान पर। सिंध अभियान, सिंध अभियान किसने किया था? सिंध अभियान 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और इसमें जाटों, मेड़ों वह बौद्धों ने कासिम का साथ दिया। इसका वर्णन किसमें है? इसका प्रयोग का, कब के प्रयोग का वर्णन, के प्रयोग का वर्णन किसमें है? के प्रयोग का वर्णन है चचनामा में। इससे सिंध आक्रमण का पता लगता है, अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में सूचना मिलती है। ठीक है, इसमें चचनामा को फतेहनामा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चचनामा को फतेहनामा भी कहते हैं। यह अरबी भाषा में लिखा गया था। लेखक अज्ञात है। लेखक क्या है? अज्ञात है। और खास बात, इसका फारसी में वर्ण, फारसी में इसका अनुवाद अल कूफी ने, अल कूफी कुबाचा के समय किया। मुल्तान में। ठीक है, तो ये बात सही हो गई। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में सर्वप्रथम क्या लगाया था? सिंध में सर्वप्रथम जजिया लगाया था। क्या किया था? सर्वप्रथम जजिया लगाया था। और ये पानीपत का जो युद्ध है 1526 बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात, इसमें बाबर ने तुलगमा युद्ध, तुलगमा और रूमी पद्धति का प्रयोग किया था।
रूमी पद्धति का प्रयोग किया था, ये आप नोट करके रखना। तुलगमा उसने उज्बेकों से सीखी थी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया एकमात्र दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो उत्तर इसका ये ए है। मेमन में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सुल्तान घोषित किया और सिंहासन को प्रासीन कर लिया। उसने कड़ा में गंगा के किनारे है ना जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ना, धोखे से हत्या की थी ना। ठीक है, इसका कारण क्या था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है छिपकर कर मतलब देवगिरी अभियान करता है, वहां से अकूत धन संपत्ति प्राप्त करता है, वहां से ठीक है वहां से अकूत धन संपत्ति प्राप्त करता है और उससे क्या होता है, उसका दिमाग फिर जाता है, उसको लगता है कि अब मुझे सुल्तान बनना ही चाहिए। जलालुद्दीन खिलजी को इसके बारे में, ग्वालियर में इस अभियान के बारे में पता लगता है। पता लगता है ना, लेकिन होता क्या है, अब अलाउद्दीन खिलजी अपने भाई अलमास बेग के माध्यम से सुल्तान से मिलने की मतलब मिलकर मिलने की प्रार्थना करता है ना। लेकिन अहमद चप है जो क्या कहता है, अहमद चप जलालुद्दीन खिलजी को अभियान की सलाह देता है। पर सुल्तान उसकी बात को अनसुना कर देता है ना, ठीक अनसुना कर देता है। तो ठीक है भाई मिल जाओ, और कड़ा में सुल्तान की हत्या होती है, और कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी का पहला राज्याभिषेक होता है। दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में, दिल्ली में कहां पर, बलबन के लाल महल में। और धन की बारिश करता हुआ दिल्ली में प्रवेश करता है अलाउद्दीन खिलजी, धन की बारिश करता हुआ।
करता हुआ दिल्ली में प्रवेश करता है। ठीक, चलिए, तो उत्तर कड़ा है हमारा। दिल्ली के दो सुल्तान हैं जिनका दो बार राज्याभिषेक हुआ है, दो बार राज्याभिषेक। कौन कौन से हैं? पहला है, पहले किसका हुआ सबसे? दिल्ली के दो सुल्तान जिनका दो, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये दो है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और बताइए, ये टर्मिनोलॉजी है, इनके बारे में बताना कि कौन सा शब्द क्या था। बलहारा क्या होते थे? छोटे किसान होते थे ना, छोटे किसान। वैसे जो इरफान हबीब है, नहीं, तीन प्रकार के किसान बताए ना मुगल काल में, तीन प्रकार के किसान बताए, कौन कौन से? खुद कास्त, जिनकी खुद की जमीन होती थी, खुद की बड़ी लैंड होती थी। दूसरा पाई कास्त, और तीस इनकी कम भूमि होती थी, कम भूमि होती थी इनके पास, अधिक भूमि वाले। और उसके बाद तीसरे थे, उनका नाम था मुजारियन, ये लैंडलेस किसान होते थे। ये दूसरे गांव तक जाके खेती करते थे ना। खेती करते थे। उसके बाद बकाल कौन होते थे? अनाज के व्यापारी होते थे ना, एक तरह से इनको बंजारे, बंजारे की साथी, बंजारों जैसे ही थे, बंजारों के जैसे है ना। बंजारे उस समय ट्रांसपोर्ट का काम करते थे ना, बड़े बड़े उनमें चलते थे समूह में। सिलेदार, एक सशस्त्र सैनिक को सिलेदार कहते हैं। तुमान, तुमान का मैंने बताया था, 10,000 सैनिकों की टुकड़ी आसिका में अमीर खुसरो ने जिक्र किया ना, अमीर खुसरो ने ना। ठीक है, तो एक का लास्ट आएगा, दो का एक आएगा और तीन का दो आएगा, तो लास्ट हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादिरी सिलसिले को पंजाब सिंध में लोकप्रिय किया? देखिए, कादिरी जो सिलसिला था ना, अबुल फजल ने, आईन अकबरी में चौदह प्रमुख सिलसिलों का जिक्र किया है। ठीक है, इनमें जो प्रमुख दो, चिश्ती सबसे प्रमुख था, सबसे पुराना ना, चिश्ती सुहरावर्दी है ना, कादिरी सुहरावर्दी के साथ ही सतारी ना, नक्शबंदी, ये प्रमुख थे। देखिए, चिश्ती जो दिल्ली, चिश्ती और सुहरावर्दी दिल्ली सल्तनत के समय,
है ना। और कादिरी और नक्शबंदी जो मेनली किसके समय थे, ये 17वीं मुगल काल के, है ना। कादिरी को कौन मानता था, दारा, जहारा और, है ना, चिश्ती को अकबर, जहांगीर और 17वीं को हुमायूं, नक्शबंदी को बाबर, औरंगजेब। ठीक है, बाबर औरंगजेब। और जो शेख मोहम्मद अली हुसैनी और शेख अब्दुल कादिरी, ये इन्होंने पंजाब में इस सिलसिले को प्रसिद्ध किया, और इसका एक संत था शेख मूसा। शेख मूसा ने अकबर से 5000 का मनसब प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए को कथन दूसरे कारण कहेंगे। मुस्लिम राजनीतिक चिंतन चिंतन को आदाब साहित्य के रूप में प्रदान किया गया। अदाबुल हर्ब किसने लिखी थी, वो अदाबुल हर्ब व सुजात फकरे मुदबिर ने लिखी थी। आदाब साहित्य में कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था, जिसमें जिसका जिसे इबन अल अलम जो इबन अल अल मुखफा के अनुवाद किला किलाले वा दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था ना। जो पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किसने किया था, वो इबन अलम मुखफा ने किया था ना। किस नाम से किला था, किया था किलाल वा दिमना, है ना। इस नाम से इसको नोट करके रखना, ठीक है, किलाल उल दिमना के नाम से किया था, इसको ध्यान में रखना। तो इससे पहले ही परिचित हो चुके थे, तो दोनों वाक्य सही हैं। आदाब मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को क्या आदाब कहते हैं, है ना। और जिसका आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था ना, ये इसका अभी तक 55 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से लेखक और स्रोत कौन से हैं, मैच करने हैं ना, का जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है हमें। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखी थी, है ना, और तबकात अकबरी में खलीफा के षड्यंत्र का वर्णन है ना। ये वर्णन कब, ये खलीफा का षड्यंत्र कब हुआ था, हुमायूं के को गद्दी पर बैठने से रोकने के लिए ना, हुमायूं के खिलाफ हुआ था ये। उसको गद्दी पर बैठने से रोकना चाहता था ये गुरु। और उसके बाद मोहम्मद काजमी ने क्या लिखा, मोहम्मद काजमी ने आलमगीरनामा लिखा है। औरंगजेब के साथ
ये मुंतकब उल लुबाब ये किसने लिखी, खफी खानी, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। फिर हमारा ये अब्दुल हमीम की जो किताब है अब्दुल हमीद लोहरी की, अब्दुल हमीद लोहरी लोहरी की जो किताब है वो पादशाहनामा है ना, कौन सा है, पादशाहनामा। और केवल राम की है तज़किरात उल उमरा, ये सारे सही हैं बाकी, तो ये बी उत्तर इसका हो गया। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित कर दिया, उन्हें सूबा कहते थे ना, 1580 में 12 सूबों में बांटा था, ठीक है। बाद में दक्षिण में 3 सूबे बने, कौन कौन से, अहमदनगर, बरार, अहमदनगर बरार और एक और था उसका नाम क्या है, गुलबर्गा, ठीक है। ये तो अकबर के समय कितने हो गए थे, 12 + 3 = 15। औरंगजेब के समय कितने थे, 21। नॉर्थ इंडिया में 14, साउथ में 6, 1 काबुल, तो टोटल 21 थे। सूबों की सर्वाधिक संख्या किसके समय थी, सर्वाधिक संख्या एक बार हुई थी, सर्वाधिक संख्या सांझा के समय बनी ना, फिर वापसी कम हो गए थे, ना सांझा के समय होती है, एक सूबा कई सरकारों में विभाजित होता था, बात सही है, एक सूबे को कई सरकारों में बांटा जाता था, एक सरकार को कई परगनों में बांटा जाता, ये भी बात सही है, एक परगने को कई सिक्कों में, नहीं नहीं सिक्कों में नहीं, कई गांवों में बांटा जाता था, ठीक है, एक सूबे को कई गांवों में बांटा जाता था, तो ये इसका उत्तर है, ये सही नहीं है। और चकला नामक इकाई किसने बनाई थी, चकला ये सरकार और प्रगने के बीच में थी, शाहजहां ने, ठीक है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, महान साहित्यकार खान ए खाना अब्दुल रहीम तथा प्रमुख धर्मशास्त्री लेखक अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर और विद्वानों को शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व दिया गया था, खान ए खाना ने क्या किया था, तुझके बाबरी का बाबरनामा से अनुवाद किया ना, फारसी में बाबरनामा के नाम से, ठीक है। इनको और अब्दुल नबी को क्या दिया गया था, सलीम को फारसी सिखाने का, मतलब फारसी की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया था, शहजादे सलीम को फारसी हिंदी और कुछ हद तक तुर्की भाषा का भी अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा, और साथ ही उन्हें इतिहास, प्रकृति विज्ञान, युद्ध कौशल, उक्त अच्छे निशानेबाज थे, धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसे एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना जाता है, ये बात दोनों सही है। शहजादा सांझा युद्ध कला में निपुण था, वह सैन्य कौशल में माहिर था, ये भी बात सही है।
अहमदाबाद में जन्मे शहजादे, अहमदाबाद में लाहौर में जन्म हुआ था वो। सांझा का जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था जगत गोसाई के गर्भ से। जो उदयपुर के मोटा राजा की बेटी थी। तो उत्तर ये सही नहीं है, तो हमारा ये हमारा सही हुआ। और जो युद्ध सांझा जो है युद्ध कला में निपुण था, क्योंकि जो जहांगीर के काल को क्या कहते हैं, जहांगीर के काल को भी सांझा की विजयों का काल कहते हैं। ठीक चलिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और उत्तर बताइए। ये किताब है इनका, कैथरीन बी एसर का जो किताब है वो आर्किटेक्चर ऑफ मुगल है, इसको नोट कर लीजिएगा। आर नाथ का जो किताब है हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ए जे कैसर का जो किताब है, ए जे कैसर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया डिविडेंड्स फ्रॉम पेंटिंग, और एबा कोच की किताब है मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये है इनका। इन किताबों को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से किताब एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये इसका बी उत्तर होगा। मुगलों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में जो नवीनता आई वह पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल है ना, पूर्व निर्मित ढांचों लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल इन एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योग्य घरों का 17वीं सदी में बंगलो नाम चलन हुआ। बंगलो है ना, बंगलो ये जो ऐसे बनाए जाते थे, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था, लकड़ी के महल घर थे ये कहा जाता था, जिसे बाद में आंग्ल भारतीय भाषाओं में बंगलो नाम का चलन हुआ। इस नई तकनीक का श्रेय किस मुगल बादशाह को जाता है, ये तकनीक जो है वो किसके समय प्रसिद्ध हुई। किसके समय किसके समय प्रसिद्ध होती है, इसको थोड़ा सा ये इसमें अकबर का वो है बंगाल में, लेकिन मुझे इसके ऊपर पता नहीं क्यों डाउट होता है, पर चेक करना पड़ेगा, मुझे सांझा लगता है, लेकिन इसमें अकबर यूजीसी ने अकबर माना है ना। इनके ऊपर पूरा डिटेल से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार आप भी देखिएगा। सांझा का जो काल है वो क्या कहलाता है, सांझा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित वो दीजिए। अबुल फजल ने लिखा कि हुमायूं का गज सिकंदरी 32 उंगल का था, ठीक है बात सही। अबुल फजल बताता है कि गज ए उल्टा लिखा है, गज ए इलाही 41 उंगल का है, ठीक है। दीरा एक शाहजानी वो था गज था, जो कि 3.5 उंगल से थोड़ा कम था। तुझके जहांगीर में वर्णित है कि गज एक सराई की लंबाई 26 उंगल थी, है ना। तो बताइए कौन से कथन इनके बारे में सही हैं। इसको छोड़ दें तो बाकी सारे सही। आपको पता है जो
गजे सिकंदर किसने चलाया था? गजे सिकंदर सिकंदर लोदी ने, है ना? शाहजहां ने उसी को पुनः लागू किया था ना। अकबर ने गजे इलाही चलाया था अकबर ने, जो कि 41 उम्र का था वह, कि जो हुमायूं के समय अकबर फजल बताता था कि वो 32 उम्र का था। बाकी जो गजे सिकंदरी का और उसका अनुपात है 39:41 है। गजे सिकंदरी और गजे इलाही का, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन के कारण कहेंगे, दूसरे को उसकी व्याख्या तर्क कहेंगे। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार काफी महत्वपूर्ण बन गया था ना। 17वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार काफी महत्वपूर्ण बन गया था, और इसके पश्चात इसमें तेज गिरावट आई। एक बार तो ये पूरा इसका ग्राफ चलता है ऐसे, है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जर्मनी में जो नील आने के कारण, है ना, ठीक है, कृत्रिम नील आने के कारण सब क्या हुआ, समस्या पैदा हो गई, क्योंकि इन नीलों की जो नील की खेती जो भारत में कहां पर की जाती थी, भारत में एक अच्छा नील उत्पादन कहां पर होता था? आगरा, बयाना, सरखेज, इस क्षेत्र में नील का बहुत अच्छा, इस क्षेत्र में नील का अच्छा उत्पादन होता था। ठीक है, नील का बहुत अच्छा उत्पादन इसमें होता था। ठीक है, आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई तथा वेस्टइंडीज में स्थित बगानों जहां दास काम करते थे। अब समस्या इसलिए पैदा हुई कि जो आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई तो वेस्टइंडीज में स्थित बगानों जहां पर दास काम करते थे से उनसे प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई उनसे, इसलिए हो गई, उनसे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई अब धीरे धीरे, जिसके कारण समस्या खड़ी हुई। और आपको पता है कि भारत में आगे चलकर नील विद्रोह होते हैं, है ना, नील विद्रोह हुए, जिसमें बाद में तीन कठिया प्रणाली और उससे पहले बंगाल में नील विद्रोह हो चुका था। ठीक है, तो ये बात दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भेजी हुई रकम के भुगतान के लिए सराफाओं को हुंडी, हुंडी एक चेक कह लीजिए आज का, दे पत्र एक की विशेषज्ञता प्राप्त थी ना, सराफा लोग हुंडी जारी करते थे। हुंडी एक विक्रय दस्तावेज था जिसका सामान्य थोड़ी छूट देकर हस्तांतरण होता था ना, कुछ बट्टे के बाद, ये बट्टा बोलते हैं उसको, छूट को बट्टा भी। मान लिया यहाँ पर आपने 1,00,000 का चेक दिया है और आपने ये गुजरात में जाकर, मतलब आज यहाँ से 1,00,000 की हुंडी जारी हुई है दिल्ली से, और ये गुजरात में जाकर कैश होगी, तो ये 1,00,000 की हुंडी शायद 98,000 में हो, मतलब 2,000 का बट्टा कट जाता था, क्योंकि सराफा यहाँ पर 1,00,000, 1,000, 2,000 लेंगे और वहाँ पर कम करेंगे, जैसे ड्राफ्ट में होता है, जैसे हम बैंक का ड्राफ्ट बनाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बनाए गए बिलों के लिए भेजी गई रकम के भुगतान अथवा ऋण हेतु विनियम की एक दर निर्धारित होती थी। इसके ऊपर एक दर लगता था कि 1,00,000 का चेक, 1,00,000 की हुंडी जारी करने पर इतना लगेगा, 2 की इतनी, मतलब वो चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती थी। ठीक है, हुंडी क्या होता था? हुंडी एक साख पत्र होता था,
क्या होता है, साख पत्र, क्योंकि अब किसी बैंक ने कुछ चेक दिया है, अगर कोई ऐसा बैंक होगा जो पैसे चेक देने के बाद पैसा ही जारी ना करे तो उसको कौन मानेगा। ये साख पत्र होता था कि जो सराफा है उस जारी करने वाले के ऊपर, कि साख के ऊपर ये डिपेंड करता था, है ना। और दूसरी बात ये है, हुंडी के व्यापार में बीमा की व्यवस्था भी की जाती थी ना, बीमा, जब हुंडी जारी की जाती थी उसमें बीमा की भी व्यवस्था होती थी। ठीक है, और जिसका जिक्र किसने किया है, सुजान राय भंडारी ने किया है, जिसका जिक्र सुजान राय भंडारी ने। नहीं, अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी उनकी, खुलासा तवारीख, में किया है ना। हुंडी जो है दो तरह की होती थी, हुंडी कितने प्रकार के, दो प्रकार की होती थी, पहली दर्शनी हुंडी और मियादी हुंडी। ठीक है, दर्शनी हुंडी और मियादी हुंडी, दो तरह की हुंडी होती थी। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनाए गए बिलों के लिए भेजी गई रकम के भुगतान अथवा ऋण हेतु विनियम की एक दर निर्धारित, ये इसका सही नहीं है। ये हुंडी से अलग कंसेप्ट है, यहां पर सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा गुरु चक गुरु में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने अपने इलाकों में इलाके बनाने की कोशिश करने लगा। मतलब ये स्टार्टिंग में क्या होते थे, जो सरबत खालसा ये गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया था ना, ठीक है। और लेकिन धीरे धीरे जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो विभिन्न सरदार हैं वो अपने ही क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करने लगे, अपने अपने क्षेत्रों में इस जो कह लीजिए इस प्रोग्राम को करने लगे। दसम गुरु ग्रंथ के जो इसमें जो इनके दसम ग्रंथ में, दसम ग्रंथ है जो गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। बात सही, ठीक है, बात तो ठीक। और सभी सिख खत्री थे और उनके प्रमुख मसनद जो होते थे वो क्या होते थे, सभी सिख तो खत्री होते थे, सभी जो सिख गुरु थे वो खत्री थे, और उनके सहायक जो है मसनद क्या थे, मसनद भी खत्री थे। ठीक है, मसनद क्या होता है, सहायक। और जो जो ये मसनद क्या कार्य करते, मसनद गुरु के लिए दशांश देते थे ना, दशांश दसवां भाग वसूल करते थे। दशांश वसूल करते थे गुरुओं की सेना, दसवें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुई।
गुरुओं की सेना क्या हुई? सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुई। एक सेकेंड, इनके जो मसनद होते थे ये सिख शायद वो नहीं होते थे, खत्री नहीं होते थे, देखना पड़ेगा इसको। इसमें एक सेकंड, एक सेकंड। सभी सिख गुरु खत्री थे लेकिन सभी मसनद खत्री नहीं थे, ये बात, ये खत्री नहीं थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ये होते भी थे क्या? मेरा दिमाग से निकल गया वो, ये क्या होते थे, क्या होते थे। चलो इसको अगले उसमें करेंगे। जो सभी मसनद होते थे वो हाँ, तो इसका उत्तर ये है, इसका सभी मसनद जो थे वो खतरे नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फारसी सिर्फ मुगल साम्राज्य के तथा दिल्ली सल्तनत में उच्च प्रशासन की भाषा नहीं थी, बल्कि वह राजपूत राज्यों के दरबारों में भी फैली हुई थी। बात सही है। और जिनके उर्दू, फारसी और भारतीय भाषाओं जो किस सहयोग से क्या बना, से उर्दू का जन्म हुआ ना, किसका जन्म हुआ था? उर्दू का, ठीक है, किसका जन्म हुआ? उर्दू का जन्म हुआ, जिसको कैंट लैंग्वेज भी कहते हैं, कैंट भाषा, क्योंकि ये सैनिकों को, जैसे आईपीएल की एक भाषा है ना, उसे ही इसका उदय हुआ था। सिराजुद्दीन अली अराजू ने यह विचार प्रस्तावित किया कि फारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं हैं। बात सही है। 1649-40 में लिखित किताब गुहार-ए- आजम में टेक चंद बहार ने ऐसी कविता और गद्यात्मक रचनाओं के उदाहरण दिए हैं, तो ये नहीं सही है ना। फारसी के हिंदी की स्थानीय बोलियों के संपर्क में आने से नई भाषा उर्दू का उदय हुआ। और फारसी का जो भारत में प्रमुख, फारसी का होमवर्क किसको कहते हैं, किसको कहते हैं फिरदौसी, और इसका फारसी का जो प्रमुख अध्ययन का प्रमुख केंद्र बना, अध्ययन लाहौर, ठीक है। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। फ्रांसीसी यात्री डी, फ्रांसीसी यात्री डी थिवानो ने लिखा कि सूरत में लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते। लिखा उसने, लिख दिया तो लिख दिया, नदी का पानी खारा था इसलिए नहीं पीते थे। अब इसमें तो क्या किया जा सकता है, तो मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में
कथनों पर विचार कीजिए। अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क कितना लिया जाता था? अधिकतम सीमा शुल्क लिया जाता था अकबर के शासनकाल में 2-4। जहांगीर के समय कर हर प्रकार के आयात निर्यात पर 2.5% लिया जाता था, ठीक है। सांझा के समय 2% का सीमा शुल्क था, चाहे वह सोना हो या चांदी। लेकिन ऐसा तो वेरी करता था, ऐसा नहीं हो सकता था। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के लिए सीमा शुल्क की दर ऊंची रखी ना, 5% की थी, मुस्लिम के लिए 2.5% और हिंदुओं के लिए 5% थी। हिंदुओं की ऊंची शुल्क दर से बचाने के लिए वो अपना सामान छुपा कर ले जाते थे, जैसे दस्तक का प्रयोग करते थे ना मॉडर्न काल में, उसी तरह ये भी इसी तरह से क्या करते थे कि मुस्लिम व्यापारियों का सहयोग से अपना माल निकाल लेते थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, आगे का मॉडर्न का इसका अगला भाग आएगा। तो एन्जॉय दिस सेशन और लगे रहिए। थैंक यू।